मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ वॉचआउट करिएगा इन स्टॉक्स को, ट्रेड वेड देना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज बात करिएगा। बीएससी लिमिटेड बहुत तेजी वाला स्टॉक है, मैंने तो लाल रख दिया है, कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी जो बड़ी चली जा रही है दिग्गज एनएसी की तरफ से। शैफलर के नंबर्स कमजोर, मुनाफा 25% गिरा। बजाज फाइनेंस मिले जुले हैं, नतीजे तो फीके हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने आरबीआई को गुहार लगाई है, वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटा दें तो हो सकता है स्टॉक हरे में आ जाए। संदूर मैंगनीज ने एक एक्विजिशन देर रात अनाउंस करा, इंटरेस्टिंग सा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है एकदम क्लियर कट। क्रिसिल ईआरपी लाइसेंस सेबी की तरफ से मिलता हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग का राजस्थान बड़ा प्लांट कमीशन कर दिया कल। एमी ऑर्गेनिक्स, केएसबी और मोतीलाल ओसवाल की आज बोर्ड मीट्स है। एमी तो प्रोफेंशियल अलॉटमेंट, केएसबी और मोतीलाल में कल से केएसबी स्टॉक स्प्लिट और मोतीलाल बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा, तो इसीलिए सिर्फ रख दिए ग्रीन में। और हर्षा इंजीनियर में कल लास्ट ट्रेड में प्लूटस ने अच्छा खासा चंक एक्वायर करा है, ग्रीन रख दिया, अपने 10 हो गए। ओके, इधर भी 10 हैं। वेदांता में ध्यान रखिएगा, इसमें एक नतीजों पे रिपोर्ट आई है नोवामा की, और 542 रुपये का टारगेट दिया, नंबर ऑपरेशनली अच्छे हैं और जो इनके कोर प्रोडक्ट है एल्युमिनियम और कॉपर उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हिंडाल को भी इसी थीम पे है। डिक्सन को हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो खबरें चल रही हैं कि वाइजर के लिए इनको हायर किया जा सकता है, काम कर सकते हैं उनके लिए। NHPC ने एक आर्बिट्रेशन जीत लिया है L&T अगेंस्ट, कम पैसे में उनका मतलब सेटलमेंट हो गया है। UTI AMC के नतीजे ठीक दिख रहे हैं Q4 में, लेकिन मार्केट शेयर लूज़ किया इन्होंने तो ये ठीक बात नहीं है। ONGC ध्यान रखिए, क्रूड अब फिर से ऊपर की तरफ बढ़ा है। लॉरस लैब में नतीजे उतने बुरे नहीं है जितना जेफरीज ने इनका एस्टिमेट काट के लगभग आधे कर दिए, 250 रुपये। उनका कहना है कि CDMO की जो सेल्स है वो लगातार अभी दो साल तक गिरती रहेगी। नेस्ले में भी नतीजे ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दी, टारगेट 1900 का रखा है। और उनका मानना है कि महंगाई का असर जो खुद मैनेजमेंट मानता है वो पड़ेगा। अभी वेलस्पर लिविंग के नतीजे साल दर साल बहुत बढ़िया हैं और गेल में मोमेंटम रहेगा क्योंकि गैस की वजह से तमाम गैस वाले शेयर्स में तेजी बन रही है। ओके, निफ्टी की ट्रेजेक्टरी है इट्स 22620, बहुत क्लोज कल के स्विंग हाई के बहुत नजदीक। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन टीम्स में से, नीरज जी और आशीष की टीम में से आपके प्रिफर दो ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया चार्ट है वो है एमी ऑर्गेनिक्स का। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये करेक्शन हुआ है और उससे जिस तरह से ये अपने 10 और 20 DMA का सपोर्ट लेके जिस तरह से घूमा है, आज यहाँ पे ट्रैक्शन होना चाहिए। 1230 के ऊपर बाय रहेगा, 1210 का स्टॉप लॉस रहेगा, मुझे लगता है 1270-1280 तक का स्विंग इसमें आना चाहिए। नीरज जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया है वो है वेल्सपन लिविंग, 158 पे खुल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक स्विंग ट्रेड बनेगा जिसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 165 इनिशियली, अगर वो निकले तो 168 तक। फैटल लेवल ऑफ 158 इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस विल बी एट 154। ओके।